हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि फैमिली पेंशन का रिवीजन हो चुका है और अभी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30% विदाउट एनी सेलिंग फैमिली पेंशन मिलने वाली है और जो NPS का कंट्रीब्यूशन है बैंक का वो भी बढ़ा करके 10 से 14% कर दिया गया है। तो इसकी इफेक्टिव डेट क्या होंगी, इस पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी है ऑलरेडी। दीज गाइडलाइंस बर इशूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दैट इज DFS एंड द डेट वाज 25th of August 2021 itself एंड दिस लेटर इज एड्रेस टू द IBA। फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू कैन इजीली सी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस लेटर। दिस इज रिगार्डिंग एनहेंसमेंट इन द फैमिली पेंशन एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर NPS। फाइनेंस मिनिस्ट्री रेफर्ड एसोसिएशन लेटर डेटेड 25th of January 2021 एंड गिविन क्लियरेंस फॉर द यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द पे दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 1st of April 2021। यानी कि जो फैमिली पेंशन का जो रिवीजन हुआ है 30% विदाउट सीलिंग वो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2021 से। नाउ यू कैन रेफर point number 2। दिस इज रिगार्डिंग द NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाई द बैंक। सो इट इज रिवाइज फ्रॉम द 10% to 14% एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 11th of November 2020 दैट इज द 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट डेट। यानी कि NPS में जो 10% से बढ़ाकर के 14% का बैंक को कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी मिलता है, वो इफेक्टिव होगा 11 नवंबर 2020 से, जब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन किया गया था। अभी आप थर्ड पॉइंट को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने IBA को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो अपना ड्राफ्ट रेगुलेशन भेजे, जिससे कि जो रेगुलेशंस हैं जिनसे ये इम्प्लीमेंट होने हैं उनमें अमेंडमेंट किया जा सके। तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। अभी ड्राफ्ट रेगुलेशन IBA भेजेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा। अपने खुद के चैनल चकदेव इन नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।